गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज जो है फिटर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हैक्सॉ ब्लेड बताने जा रहा हूँ। हैक्सॉ ब्लेड इससे पहले मैंने आपको हैक्सॉ फ्रेम के बारे में बताया था। हैक्सॉ फ्रेम जो होता है, हैक्सॉ फ्रेम में हैक्सॉ ब्लेड को फिट किया जाता है, तभी कोई चीज को काटा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग के मन में उठता होगा कि हैक्सॉ ब्लेड होता क्या है। हैक्सॉ ब्लेड जो होता है वह किसी हैक्सॉ ब्लेड के द्वारा हम लोग किसी चीज को काटते हैं। हैक्सॉ ब्लेड जो है एक कटिंग टूल है, इसके द्वारा हम लोग किसी चीज को काटते हैं। हैक्सॉ ब्लेड जो है एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है। वो जो पत्ती के आकार का होता है उसमें जो ये दांत कटा हुआ रहता है, ये जो कटिंग जो है ये दांत कटा हुआ होता है। और हैक्सॉ ब्लेड में दो होल होते हैं, होता है इसके दोनों सिरों पर जो है सुराख होता है, वही होल जो होता है इसको हम लोग हिंदी में सुराख बोलते हैं। ये दोनों होल होता है, इसके एक या दोनों किनारों पर जो भी आकार के दांते कटी होती है, इसके दोनों किनारों पर जो इस किनारों पर जो है ये भी आकार का दांत कटा हुआ रहता है, जो कि कोई मेटल में जाके फंसता है, फिर वो उसको काटना स्टार्ट करता है। पता है हैक्सॉ ब्लेड प्रायः हार्ड कार्बन स्टील, जो हार्ड कार्बन स्टील होता है, हार्ड स्टील, स्पीड स्टील और एलॉय स्टील का बना होता है, बनाकर उसको हार्डन टेम्पर किया जाता है। हार्डन टेम्पर इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जल्दी टूटे ना। हैक्सॉ ब्लेड की हार्डनेस जो है यह 59 से 65 सेंटीमीटर HRC होती है। हैक्सॉ ब्लेड की जो हार्डनेस जो होती है यह 59 से 65 HRC होती है। पता है हैक्सॉ ब्लेड की लंबाई एक पिन के सेंटर से दूसरे पिन के होल सेंटर तक मापा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हैक्सॉ ब्लेड की लंबाई हम लोग कहां से कहां तक नापते हैं। ये आपको दांत से लंबाई नहीं नापते हैं, ये हैक्सॉ ब्लेड की लंबाई ये पिन के होल सेंटर, होल का जो सेंटर होता है वहां से, ये भी अगर ये पिन का होल है तो इसके सेंटर से ये इसका ये सेंटर है, इस सेंटर से दूसरे पिन के होल सेंटर तक की लंबाई, ये जो लंबाई होती है इस तरह से ये हैक्सॉ की लंबाई मापी जाती है। ठीक है, लंबाई मापी जाती है। अब देखिए फिर बोलती है कि बोलता है हैक्सॉ ब्लेड जो है वो TPI मतलब TPI से दर्शाया जाता है। ठीक है, टीथ पर इंच इसको बोलते हैं, टीथ पर इंच। ठीक है, TPI ब्लेड का प्रयोग, ठीक है, होल सेक्शन को काटने के लिए किया जाता है। TPI जो ब्लेड होता है उसका प्रयोग जो है होल सेक्शन को काटने में किया जाता है। होता है हैक्सॉ ब्लेड को लूज करने के लिए। अब देखिए हैक्सॉ ब्लेड को लूज करने के लिए आपको हैक्सॉ में दिखाई देता है कि एक विंग नट लगा हुआ था, जिसको कि हम लोग टाइट करते हैं, लूज करते हैं, तो उससे क्या होता है हैक्सॉ ब्लेड लूज होता है और टाइट भी होता है। अब देखिए बताया रेफाइल का प्रयोग वुड या सॉफ्ट धातु के लिए किया जाता है। रेफाइल का प्रयोग जो है वुड और सॉफ्ट धातु के लिए किया जाता है। अब जो है हम आपको बता रहे हैं ब्लेड के प्रकार। ठीक है, इसमें कि सबसे पहला है आपको ऑल हार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल हार्ड, होता है इस ब्लेड में छेद वाले भाग। ठीक है, इस ब्लेड में जो है ऑल हार्ड में क्या होता है, इस ब्लेड में छेद वाले भाग को छोड़कर बाकी भाग को, ठीक है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। मतलब जो छेद जो होता है ब्लेड में उसको छोड़कर जो है पूरा बॉडी को और बाकी पार्ट को जो है वो हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। अब दूसरा है कि आपको फ्लेक्सीबल, ठीक है, बताए इस ब्लेड में केवल दांत जो होता है उसी को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। ठीक है, बाकी सारा भाग को नरम छोड़ दिया जाता है, बाकी जो सारा भाग को उसी तरह से नरम छोड़ दिया जाता है। और बोलता है कि साधारणतः यदि ब्लेड का जो प्रयोग हम लोग करते हैं, हम लोग जो डेली यूज में या हम लोग जो ब्लेड का जो प्रयोग करते हैं, साधारणतः हम लोग ये फ्लेक्सिबल ब्लेड का जो है प्रयोग करते हैं। अब क्या है फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप, बोलता है फ्लेक्सिबल तीसरा आपको फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप होता है। यह ब्लेड साधारणतः हार्ड और फ्लेक्सिबल के मध्य का होता है, मतलब यह ना ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा यह फ्लेक्सिबल होता है। यह क्या होता है हार्ड और फ्लेक्सिबल के मध्य का होता है। अब तीसरा आपका ये आपका दूसरा टॉपिक है आपका क्या है ब्लेड के ग्रेड। ठीक है, ग्रेड का आधार पर ब्लेड कौन कौन सा होता है, रफ और को
पिच ब्लेड, ठीक है। सबसे पहला क्या है, रफ और कॉर्स पिच ब्लेड। तीसरा, दूसरा क्या है आपको, मीडियम पिच ब्लेड, ठीक है, मीडियम मतलब पिच ब्लेड। और तीसरा क्या है आपका, फाइन पिच ब्लेड। तीसरा क्या है आपका, फाइन पिच ब्लेड। स्टूडेंट अब मैं बता रहा हूं आपको रफ, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके आपको हेक्सा ब्लेड के प्रकार के बारे में उसमें से सबसे पहला है आपका रफ और कोर्स पिच ब्लेड। बोलता है इस ब्लेड में जो होता है 10 mm में जो है 8 दांत कटा होता है। 10 mm में आपका जो है 8 दांत कटे होते हैं। बोलता है कोर्स पिच होने के कारण जो है यह मुलायम धातु को तेजी से काटता है। मतलब कोर्स पिच मतलब कम पिच होने के कारण जो है यह जो है मुलायम धातु को जो तेजी से काटता है, ठीक है। मतलब माइल्ड स्टील, जैसे इसके द्वारा जो है, जैसे माइल्ड स्टील हुआ, लेड हुआ, तांबा, ये सब को जो है काटा जाता है। दूसरा है आपका मीडियम पिच ब्लेड। दूसरा आपका है मीडियम पिच ब्लेड, इसमें जो है 10 mm लंबाई में जो है 10 दांत कटे होते हैं, ठीक है। 10 mm लंबाई में 10 दांत कटे होते हैं। इसके द्वारा जो है कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील आदि को काटे जाते हैं। तीसरा है आपका फाइन पिच ब्लेड। तीसरा क्या है आपका, फाइन पिच ब्लेड। होता है इसमें 10 mm में जो है 18 दांत कटा होता है। 10 mm में 18 दांत कटे होते हैं। होता है इसके द्वारा पतली सीट, ठीक है, पतले पाइप, कठोर स्टील सबको काटा जाता है। मतलब जैसे देखिए, ये जो आपका कोर्स पिच में हुआ, जो 10 mm में 8 दांत, मतलब इसका दांत बहुत दूर दूर होगा, ठीक है। मीडियम पिच में इसका 10 mm में 10 दांत होता है। इसका दांत थोड़ा सा इसके बनिस्पत ये थोड़ा सा कटा हुआ होगा। और तीसरा जो है आपका, जो फाइन पिच ब्लेड है, इसमें जो है 10 mm में 18 दांत कटे होते हैं। मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसका दांत जो होगा वो बहुत ही सटा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये आप आज जो है आपको आज मैं हेक्सा ब्लेड टॉपिक मैंने पढ़ाया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप जो है इसे अपने कॉपी में उतारेंगे।